हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे सेनको गोल्ड स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखेंगे मंथली चार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बुलिश है। एक रेड कैंडल नजर आई है इस महीने, जो कि लगभग 15% की गिरावट के साथ नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड स्टॉक का गलत नहीं हुआ है, यहां से हम ठीक है। लेकिन यहां समस्या है, वीकली चार्ट पर आप देखेंगे कि प्राइस की आरएसआई 60 के नीचे आ गई है, यानी कि खतरा नजर आ रहा है। यहां पर स्टॉक में खतरा है, तो हम यहां से थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हमको क्या नजर आएगा कि स्टॉक में समस्या नजर आ रही है, तो वो देखना एक बार हमको होगा। यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस कहाँ पर बनाया है, रेजिस्टेंस बनाया 1178 पर, उसके बाद नीचे रेजिस्टेंस बनाया है लगभग 1070 पे। ठीक है, और इसके बाद नीचे जो सपोर्ट है वो समथिंग है 912 या 10 रुपए के आसपास, यानी कि अब प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ से आपको थोड़ी बहुत ऊपर की साइड स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा, फिर नीचे आकर के यहां पर सपोर्ट ले सकता है 912 के लेवल पर। यानी कि अभी स्टॉक को अवॉइड करना बेटर रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक स्टॉक से एग्जिट नहीं किया था, हालांकि उनको 1070 के लेवल के आसपास एग्जिट कर जाना चाहिए था। ठीक है, 1070 के आसपास तो एग्जिट कर ही जाना चाहिए था। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक एग्जिट नहीं किया है उनको भी मेरे विचार से एग्जिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर भी है। ठीक है, 1000 रुपए के आसपास भी रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर टच करके स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। तो यहाँ से स्टॉक में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलें और अभी अवॉइड करने का प्रयास करें। मेरा यही ओपिनियन है, बाकी आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, और वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।